हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक कौशिक एंड आई विल टीच दी नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति हम पढ़ेंगे गाइस। सो नंबर सिस्टम में ये पार्ट वन बना रहा हूँ मैं एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी अभिषेक कौशिक। एंड आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डाउट है या फिर ठीक है। अब बात करते हैं नंबर सिस्टम में जो फर्स्ट मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है यूनिट डिजिट। ये बहुत बेसिक है लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, हर एग्जाम्स में आते हैं। CGL, CHSL और CPO सब एग्जाम में ये आते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें मैं बेसिक आपको बताने से पहले थोड़ी सी बात बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा प्राइम नंबर क्या होता है, ये बहुत बेसिक है, ठीक है ना। प्राइम नंबर का मतलब है अभाज्य संख्या, यानी कि जो अपने और वन को छोड़ के किसी से निकटती हो, ठीक है। जैसे कि दो किसी से निकटता, डिविजिबल नहीं हो सकता, थ्री हो गया, फाइव हो गया, सेवन हो गया, इस तरह से ये चलता रहेगा, ठीक है। ये हो गया प्राइम नंबर। अब बात करते हैं हम पूर्ण संख्या, जो होल नंबर होती है। होल नंबर जो होता है वो ये है, जीरो से स्टार्ट हो जाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव से, ये होल नंबर होते हैं, ये लिख के रखे हैं मैंने। अब बात करते हैं अगर नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर की कौन से होंगे। नेचुरल नंबर होंगे जो प्राकृतिक संख्या होंगे, वो हम वन से स्टार्ट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। ये होगी हमारी सिर्फ नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होने वाली। अब बात करते हैं कि यूनिट डिजिट अगर किसी की पावर कुछ है या टू की पावर एट है या 212 की पावर समथिंग कुछ दिया हुआ है, तो इसके यूनिट डिजिट हम कैसे निकालेंगे वो आपको निकालना है, देखना है। सो मैंने इसमें कुछ बाइफरकेट कर रखा है, जैसे कोड गिफ्टेड डिजिट्स बोला है मैंने इनको, क्यों बोला है देखो, 0, 1 और 5, 6, यानी कि 0, 1, 5 और 6, इन्हें मैंने एक कैटेगरी में लिया है। इसमें क्या फ़ायदा है देखो, इसमें फ़ायदा ये है अगर किसी भी यूनिट डिजिट, किसी भी डिजिट्स के पीछे ये लगा हुआ है चारों में से कोई सी भी डिजिट्स, तो उसके यूनिट डिजिट वही आ जाती है। जैसे कि सपोज मैंने एग्जांपल लिया है 720 है और उसकी पावर है 1431, तो आप देख सकते हो आप डायरेक्ट तो इसकी पावर नहीं कर सकते, लेकिन आपको अगर यूनिट डिजिट पूछा है क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे, इसकी जो यूनिट डिजिट है इसके पीछे है जीरो, तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी आपकी, गाइस जीरो हो जाएगी, ठीक है। आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। जैसे वन है, वन की पावर इतना दे रखा है, 871 की पावर 1356 दे रखा है, तो इसमें आपको पता है वन आ रहा है और वन इसी कैटेगरी में लाई कर रहा है, तो इसमें क्या करोगे आप, तो वन ही यूनिट डिजिट हो जाएगी ऐसी। ऐसे ही फाइव, अगर मान लो फाइव फाइव और फाइव लिखा हुआ है और उसकी पावर कुछ दे रखी है समथिंग कुछ कितना ही बड़ा, तो उसकी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, फाइव। ऐसे ही सिक्स का हो जाएगा, ठीक है। सो ये मैंने एक ही कैटेगरी में लाई कर दी। अब बचा क्या, फोर और नाइन, ये मैंने एक कैटेगरी में ऐड कर दिया, और बचा क्या, टू थ्री सेवन और एट, ये एक कैटेगरी में है, ठीक है। अब बात करते हैं फोर और नाइन आ गए अगर किसी के पीछे, तो वो कैसे करोगे, क्योंकि इनके अलावा कुछ नहीं आ सकता, यही दस डिजिट हैं जो जिनसे आगे चीज़ें बनेंगी, क्वेश्चंस बनेंगे आपके, फ्रेम होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अगर फोर है, सो अगर किसी यूनिट के पीछे, किसी डिजिट के पीछे फोर है, तो उसकी यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। जैसे कि मैंने लिख रखा है कि फोर, फोर की पावर अगर ओड दे रखा है, सो उसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी कितनी, फोर, और फोर की पावर अगर इवन है तो उसकी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, सिक्स। देखो ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं, इसका मैं बता देता हूँ क्या कंसेप्ट है इसके पीछे। सपोज करो फोर की पावर आप वन करते हो, सो वहाँ से कितना आ जाएगा, फोर की पावर वन होगी तो फोर आ जाएगा। फोर की पावर अगर टू होती है, यानी कि चार का स्क्वायर, चार का स्क्वायर कितना होता है, सोलह, यानी कि इसकी यूनिट डिजिट आई फोर, इसकी कितनी आई, सिक्सटीन आई। फोर की पावर अगर थ्री है, सो फोर की पावर थ्री, फोर का क्यूब आपको याद होना चाहिए कितना होता है, 64। आप देख रहे हो कि 4, 6, फिर 4, फिर 6, ऐसे चलता रहेगा, ये सीरीज में चलता रहेगा। यानी कि अगर यहाँ से हम कह सकते हैं अगर ओड होती है तो वहाँ से आ जाता है 4, इवन होगी तो 6 आ जाता है। एज ए सेम टू सेम इसका करना है आपको 9 का, अगर 9 की पावर ओड है तो उसका कितना आता है, 9 आता है यूनिट डिजिट। 9 की पावर अगर इवन है तो उसकी यूनिट डिजिट कितनी आती है, 1 आती है। यहाँ से हम बता सकते हैं अगर 9 की पावर आप ओड ले लो, यानी कि 1 ले लो, तो उसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी, 9 हो जाएगी, 9 एकम 9, 9 का क्यूब स्क्वायर है आपका, 9 के 80 होते हैं, ठीक है, 9 के 80 हो गए, तो इसकी यूनिट कितनी आ गई, 9 1 आ गई, ठीक है। 9 का अगर आपका क्यूब है, क्यूब है तो इसका 9 का क्यूब आपको याद होना चाहिए कितना होता है, 729, फिर 9 आ गया, तो इसी तरह से 9 1 9 1 इस तरह से चलता रहेगा, 9 1 9 1, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये कोड होगा तो 9 आ जाएगी, इवन होगी तो 1 आ जाएगी। कुछ एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए
जैसे कि यहाँ से मैंने लिखा है 4, 4 है यानी कि 814, इसकी पावर ये दिया हुआ है। सो यानी कि 4 की पावर ये क्या है, ओड है, आपको दिख रहा है कि 1521 ओड नंबर है क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। सो अगर 4 की पावर ओड है तो कितना आता है, 4 आता है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें। अगर 724 है इसकी पावर इवन दे रखा है यानी कि 4 की पावर इवन है तो कितना आता है, 6 आता है, अभी मैंने पीछे आपको बताया। अगर 9 की बात करें हम यहाँ तो 529 इसकी पावर है 1343, ठीक है। 9 की पावर क्या है, ओड है, ओड है तो कितना आता है, 9 आ जाता है, ठीक है। अगर 889 है इसकी पावर है 1116 यानी कि 9 की पावर क्या है, इवन है, ठीक है, इसकी पावर। सो इसका कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, ठीक है, इसमें भी सोचना नहीं आपको। अब जो बचती है ये 2 3 7 8 बचती है, बस ये बची, इसका कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है, ये समझ में आ गई। अगर कोई भी आपको डाउट लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा उसका, ठीक है। और कुछ भी क्वेरी हो क्वेश्चन से रिलेटेड या कुछ भी, आप कमेंट करो, ठीक है। जैसे 2 3 और 7 8 मैंने एक कैटेगरी में लिया है, इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। जैसे कि 6 8 7 है उसकी पावर है 1666 यानी कि 1666। इसमें क्या करना है आपको, देखो डिवाइड करना है इसकी पावर को कितने से, 4 से, 4 से डिवाइड करोगे और जो रिमाइंडर आएगा उतने ही पावर इसकी लगा देनी है, वो आपका यूनिट डिजिट हो जाएगी। देखो कैसे करते हैं, 7 की पावर 8 7 8 6 8 7 की पावर ये दिया है, तो इसमें क्या करना है आपको, 4 से इसे डिवाइड करोगे पूरे को। पूरे को करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आपको पता है 4 की जो डिविजिबिलिटी होती है, 4 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि विभाज्यता का रूल क्या होता है गाइस, कि लास्ट की दो डिजिट जो होंगी उनको आप 4 से डिवाइड कर लो तो पूरी संख्या, पूरी जो संख्या वो 4 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे कि 66 को अगर मैं डिवाइड करने लगूँ 4 से तो कितना आएगा, देखो मैं करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ 4 से 66 को डिवाइड किया तो कितना आएगा, 4 × 4 यहाँ कितना बच गया, 2, और ये 26 हो गया, और 4 × 6 = 24, तो कितने रिमाइंडर बचा है यहाँ, शेषफल 2 बच गए शेषफल। तो रिमाइंडर अगर 2 है यहाँ तो क्या कर रहा था मैंने कि 7 की पावर जो है रिमाइंडर जो बचा वही आ जाएगा। 7 की पावर 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 की स्क्वायर कर दो कितना होता है, 49 होता है मेंशन, तो यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 9 आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं 3 का, एक मैंने 3 का एग्जांपल लिया है इसमें। सो 9 9 8 3 की पावर है 1248, ठीक है। यहाँ क्या देखो, इसमें अभी वही करना है कि जो 4 से पूरे को डिवाइड करोगे तो पूरे को नहीं करना है, लास्ट के 2 डिजिट को करना है। 4 से अगर आप 48 को डिवाइड करोगे तो 1248 हो गए, तो यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा डिविजिबल हो रहा है इससे। तो रिमाइंडर अगर 0 हो जाता है उस केस में हम क्या करें, उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, जो ये है 3 यूनिट डिजिट जो इसकी दे रखी है उतनी, जितने से आप डिवाइड कर रहे थे 4 उतनी पावर आप लगा दो। तो 3 की पावर 4 कितना आ जाएगा आपको, अब 3 की पावर 4 को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप कैसे लिख सकते हो, 3 का अगर आपको क्यूब पता है कितना होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, और 27 × 3 करोगे 27 से 81 हो जाता है, ठीक है, इतने तो टेबल आपको याद होने चाहिए आई थिंक, ठीक है। सो 81 का जो होगा, 81 का जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, 1 हो जाएगा गाइस, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, देखो आगे में क्या है, 2 512 की पावर आपने 1751 लिया है, यानी कि इसमें क्या करोगे आप, 4 से डिवाइड करोगे सिर्फ 2 यूनिट को, ठीक है, 2 डिजिट को। तो 4 से मैंने डिवाइड करके दिखा रखा है, 4 × 4 हो गया, कितना बच गया, सेस 1 आ गया, और यहाँ 1 उतार है, 4 × 2 = 8 यानी कि रिमाइंडर जो बच गया आपको 3 बच गया। सो जितना रिमाइंडर बचता है आपका उतने की पावर लगाती है, मैंने बताया था, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, 2 की पावर 3 हो गई तो कितना आ गया इसमें, 8 आ गया, ठीक है। अब 368 है इसकी पावर है 1784, तो इसमें आप क्या करोगे, आप 4 से इसे डिविजिबल करोगे, अगर 1784 को तो 84 को करना है, इसमें देखो आप 4 से डिविजिबल करोगे तो पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा ये, तो 4 × 2 = 8 और बचा कितना है, 4, और 4 × 4 यानी कि 0, तो रिमाइंडर जो है वो कितना आ गया, 0 आ गया। रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो मैंने आप एक बताया था आपको, जितना यहाँ लिखा है डिजिट उतने की पावर लगाते हैं जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, यानी कि 8 की पावर 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, सो 8 का क्यूब आपको पता है कितना होता है, 512 × 8, ठीक है। सो आप पूरा मत करो, 8 × 2 = 16 यानी कि यूनिट डिजिट निकालने तो यहाँ 6 आ गया। तो ये आपका तरीका यूज़ हो सकता है एग्जाम्स में, देखो टाइम कम होता है तो आप क्या ना पूरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है हमें, यहाँ हमें यहाँ कुछ सिद्ध नहीं करना है कि हम बहुत बुद्धिमान हैं कुछ हैं, आपको दिख रहा है कि यहाँ यूनिट डिजिट 6 आ रही है तो टिक करा आगे बढ़ा, ठीक है। अब थोड़ी सी बात ये करते हैं, अगर आपको कोई एक्सप्रेशन दे रखा है लंबा सा, ठीक है, मैं उसको क्वेश्चन कराऊंगा अगली स्लाइड में,
जब भी नेक्स्ट वीडियो होगी, ठीक है। सो अगर कोई बड़ा सा एक्सप्रेशन है और आपको टू डिजिट निकालनी है, लास्ट के टू डिजिट, सो आप क्या करोगे, अगर 100 से डिवाइड कर रहे हो तो लास्ट की जो रिमाइंडर आएगा वो ही टू डिजिट हो जाएगा। अगर बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन है कुछ समथिंग, जैसे 349 समथिंग, 349 इंटू 448, इतना लंबा सा कुछ मल्टीप्लाई दे रखा है, उस डिवाइड और कह दिया आपको कि इसकी यूनिट डिजिट बताइए, तो आप क्या करोगे 10 से डिवाइड कर दोगे तो यूनिट डिजिट आ जाएगी आपकी, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, हैव ए नाइस डे।